नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और टाइम हो गया है आज के पांच की पंच का। तो शुरू करते हैं आज की पांच बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के भदोही में रविवार शाम को 8 बजे एक दुर्गा पंडाल में 5 लोग जिंदा जल गए। इनमें 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब भगवान शंकर और माँ काली की लीला का मंचन चल रहा था। मंच के सामने 200 से ज्यादा लोग बैठे थे, इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। तभी मंच की दाई तरफ अचानक आग भड़क गई। कर्नाटक के मैसूर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बारिश के बीच जनसभा को संबोधित किया। गांधी जयंती के मौके पर जब पूरे दिन की यात्रा के बाद राहुल गांधी को संबोधित करने के लिए मंच की तरफ बढ़े तो बारिश होने लगी। इस मौके पर राहुल ने बारिश रुकने का इंतजार नहीं किया और भीगते हुए उन्होंने भाषण जारी रखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जल्द ही सह कार्यवाह और सह सरकार्यवाह पद की जिम्मेदारी महिलाओं को मिल सकती है। संघ की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ 2025 तक राष्ट्र सेविका समिति में शामिल महिलाओं को संघ में लाया जा सकता है। संघ के 97 साल के इतिहास में कोई महिला इस पद पर नहीं रही है। गुजरात दौरे पर गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शनिवार रात को किसी ने प्लास्टिक की बोतल फेंक दी। हालांकि केजरीवाल को बोतल लगी नहीं, पीछे से फेंकी गई बोतल उनके ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ निकलकर चली गई। जिस जगह यह घटना हुई वहां भीड़ थी, इसलिए बोतल फेंकने वाले का पता नहीं चल सका। कानपुर में शनिवार रात हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 13 महिलाएं और 13 बच्चे। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई थी। उसमें 45 लोग सवार थे। ये लोग उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से मुंडन संस्कार के बाद कानपुर लौट रहे थे। सभी कौरथा गांव के रहने वाले हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। किसी ने अपना बेटा या बेटी खोया तो किसी ने माँ। इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनका पूरा परिवार ही उजड़ गया। रविवार को गांव में एक बेटी की लाश जब लोग ले जाने लगे तो माँ उसे खींचने लगी। यह हर किसी की आँख नम कर देता है। वह रोते हुए बोली कि मेरी बेटी मत ले जाओ, अभी तो इसने दुनिया भी नहीं देखी थी।